भूतिया गर्भवती गाय का दुख। श्याम अपनी बीवी रंजना के साथ खुशी से रहता था। श्याम की बीवी रंजना गर्भवती महिला थी। श्याम और रंजना दोनों काफी दयालु थे। वो हर किसी की मदद किया करते थे। और एक दिन रंजना अपने पति से बोलती है, श्याम जी, क्यों ना हम मम्मी पापा को यहाँ पर ले आए। रंजना, तुम्हें पता है ना, वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। और तुम उनकी सेवा कैसे करोगी, तुम तो खुद एक गर्भवती हो। श्याम जी, तो क्या हुआ अगर वो मुझे अपनी बहू नहीं समझते। लेकिन मैं तो उन्हें अपने माता पिता के समान मानती हूँ। एक काम कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी, आप उनको कल ले आइए। श्याम उनकी बात मान लेता है और अगली सुबह उसके सास ससुर को ले आता है। लेकिन उसकी सास और ससुर दोनों ही बहुत क्रूर किस्म के थे। उनको बिल्कुल भी रंजना पर तरस नहीं आता था और उसके साथ मारपीट करते थे। लेकिन रंजना श्याम को कुछ भी नहीं बताया करती थी। और ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन रंजना को अपने सास ससुर को खाना देने में देर हो गई, इसलिए उसकी सास ने रंजना को धक्का दे दिया, जिस वजह से रंजना गिर गई और उसके पेट में चोट लग गई। उस समय उसने एक बच्ची को जन्म दे दिया। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वो रंजना इस दुनिया में नहीं रही। माँ का दूध न मिलने पर उसकी छोटी सी बच्ची बहुत रोने लगी। ये सब देखकर श्याम बहुत परेशान हो गया और रोते हुए अपनी बीवी की फोटो लेकर रोता हुआ बोलता है, रंजना, तुम कहाँ चले गई अपनी इस छोटी सी बच्ची को छोड़कर। देखो ना, ये तो मुझसे भी नहीं संभल रही। श्याम खुद से बात कर ही रहा होता है, इतने में रंजना चुड़ैल बनकर वहां आ जाती है। लेकिन श्याम उसको देख नहीं पाता और अपने बच्चे की ये हालत देखकर रंजना चुड़ैल फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए वो अपने घर से निकलती है। तब उसे एक गाय दिखती है तो रंजना खुद से मन में सोचती है, मुझे किसी का शरीर चाहिए, क्यों ना मैं इस गाय के शरीर में जाकर अपनी बच्ची को माँ का दूध पिला सकूं। ये सोचकर चुड़ैल उस गाय के अंदर चली जाती है और उसे बाद में पता चलता है कि यहाँ एक गर्भवती गाय है। ये जानने के बाद चुड़ैल खुद से बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये गाय पेट से है, वरना मैं कभी भी इस गाय के शरीर में प्रवेश ना करती। और अब तो मैं इस गाय के शरीर से बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ, मुझे किसी की मदद चाहिए। वो गाय अब एक मामूली गाय नहीं रही, बल्कि एक भूतिया गर्भवती गाय बन गई। और वो भूतिया गाय रोते हुए रेलवे स्टेशन के पास जाकर बैठ गई। तभी उसको एक लड़की के रोने की आवाज आती है। वो लड़की काफी सुंदर थी। गाय उस लड़की को देखती है और खुद के मन में सोचती है, इस लड़की से लगता है मुझे मदद लेनी पड़ेगी। भूतिया गाय अब अपनी शक्ति से खुद के पैरों पर चोट लगा लेती है और उस लड़की के पास जाकर बैठ जाती है। उस प्रेग्नेंट गाय को देखकर राधा उससे बोलती है, अरे प्यारी माता, तुम्हें चोट लगी है, रुको मैं तुम्हें अभी ठीक कर देती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हारे चोट पर नीम की पत्तियाँ पीस कर मैं अपने दुपट्टे से तुम्हारा पैर बांध दूंगी और तुम्हारा पैर चुटकियों में ठीक हो जाएगा। राधा अब उस भूतिया गाय के साथ वैसा ही करती है। नीम की पत्ती पीस कर उसके पैर पर लगाती है और अपने दुपट्टे को फाड़ कर उसके पैरों पर बांध देती है। ये सब देखकर वो भूतिया गाय उससे बोलती है, राधा, तुम रो क्यों रही थी, तुम बोल सकती हो, तुम तो एक मामूली गाय हो ना। राधा, ये एक मामूली ही गाय है, लेकिन इसके अंदर एक चुड़ैल का वास है और वही चुड़ैल तुमसे बात कर रही है। प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरी मदद कर दो। लेकिन मेरी मदद करने से पहले तुम बताओ, तुम रो क्यों रही हो। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और सबने मुझे दोषी ठहरा दिया और मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास कोई भी नहीं है जहां मैं जाऊं। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो क्या तुम मेरी मदद करोगी। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बताओ क्या करना है। राधा, मेरी छोटी सी बच्ची है, उसने अभी कुछ दिन पहले ही जन्म लिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मेरी मौत हो चुकी है। मैं अपने बच्चे को नहीं पाल सकती, उसको उठा नहीं सकती, उसको माँ का दूध नहीं दे सकती। और जब मैंने सोचा कि मुझे किसी के शरीर की जरूरत है, तो मैंने बिना सोचे समझे इस गाय के शरीर में वास कर लिया। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि ये गाय गर्भवती है, तो मैं इस गाय से निकलना चाहती हूँ। लेकिन पता नहीं भगवान का कौन सा करिश्मा है, मैं इस गाय से नहीं निकल पा रही। शायद उन्होंने मुझे तुम्हारी तरफ इशारा किया है, मेरी मदद कर दो। हाँ बताओ, मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूंगी,
तुम मेरी बच्चे की माँ बन जाओ। आखिर तुम्हारा भी तो कोई नहीं है ना अपना। अगर तुम्हें एक परिवार और मेरी बच्ची को एक माँ मिल रही है तो इसमें क्या बुराई है राधा? ठीक है, मैं तुम्हारे पति के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उन्हें पहले सब कुछ बताऊंगी। इतना कहकर राधा उस भूतिया गाय के साथ श्याम के पास चली जाती है और श्याम को सारी बात बता देती है। इतना सुनने के बाद श्याम की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो रोते हुए उस गाय को गले लगा लेता है और उससे कहता है, रंजना तुम्हारी मौत कैसे हुई थी, मुझे सारा सच जानना है। श्याम की ये बात सुनकर रंजना रोते हुए श्याम को सारा सच बता देती है, कैसे उसको खाना देने में देर हुई और उसकी सास ने उसको धक्का मार दिया जिस वजह से उसकी मौत हो गई। रोते हुए श्याम से बोलती है, श्याम जी आप राधा से शादी कर लीजिए, मेरी बच्ची को एक माँ मिल जाएगी और राधा को उसका एक परिवार और इस गर्भवती गाय को मुझसे छुटकारा मिलेगा, मैं मुक्त हो जाऊंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये गाय मर जाएगी। श्याम रंजना की बात मान लेता है और राधा से शादी कर लेता है और इस तरह रंजना की आत्मा उस गाय के शरीर से निकल जाती है और अपनी बेटी को लाड़ प्यार करके मुक्त हो जाती है। वहीं राधा को एक परिवार और रंजना की पत्नी रागिनी को एक माँ मिल जाती है और इस तरह राधा और श्याम अपनी छोटी सी बेटी रागिनी के साथ खुशी से रहने लगता है।